जिंदगी में आपको किसी मोड़ पर बहुत दर्द सहना पड़ सकता है, लाइफ में आपको बहुत निराशा भी मिल सकती है। हो सकता है आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी जिंदगी में बस अब और कुछ भी नहीं बचा हो। हो सकता है कि आपको लगने लगे आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ, अब मैं ये नहीं कर सकता, मैं हर बार हर काम में फेल हुआ हूँ, मुझे जीने की चाहत नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया है और कुछ भी नहीं बचा मेरी जिंदगी में। पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ आपकी सोच है। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। मुसीबत आ ही गई है तो डरने से क्या होगा, जीने का तरीका ढूंढो मेरे दोस्त, मरने से क्या होगा। जब आप एक बार हार मानना सीख जाते हैं ना, तो सच मानो ये आपकी आदत बन जाती है। इतने सारे लोग इस दुनिया में फेल हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास क्षमता नहीं है, वे सक्षम नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनका कलेजा नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है और वे अपनी मुसीबत से लड़ना ही नहीं चाहते। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी, अपने भाग्य को बदलने के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं? क्या आप अपने भाग्य को बदलने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यदि आप अपने संघर्ष, अपनी मुसीबतों को अपने आप समाप्त होने का इंतजार कर रहे हो, तो आप अपने लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। यह सोचना भी आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि संघर्ष अपने आप कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। अपने संघर्ष को तो खुद ही लड़कर समाप्त करना पड़ता है, हराना पड़ता है, और आप ही हो जिसे अपने संघर्ष से, अपनी मुसीबतों से खुद ही लड़ना है। कोई दूसरा आकर आपकी मदद नहीं करने वाला। अभी मंजिल दूर है पर रुकना नहीं है, आएंगी अभी मुश्किलें हजार पर झुकना नहीं है। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में ना सुनने के दर्द को नहीं बर्दाश्त कर सकते। हारने का दर्द, निराशा का दर्द, फेल होने का दर्द, आलोचना का दर्द, ठुकराए जाने का दर्द, बेइज्जती का दर्द, दर्द दर्द दर्द, नहीं, ये इतने सारे दर्द नहीं बर्दाश्त होते। पर दोस्त, यही जिंदगी है, नो पेन नो गेन। सुना ही होगा ना आपने, जिंदगी दर्द से भरी है। किसी की जिंदगी में सातों सुख नहीं है। किसी को मानसिक दर्द, किसी को शारीरिक दर्द, किसी को गरीबी का दर्द, तो किसी को अमीरी का दर्द है। कोई भी इस दुनिया में पूरा सुखी नहीं है। तुम अकेले दुखी नहीं हो, तुम अकेले दर्द में नहीं हो। तो अब इस दर्द से दोस्ती कर लो और बोलो कि ऐ दोस्त, आज तक मैं इस दर्द के कारण इतना कमजोर बना रहा, पर अब नहीं। अब मैं इस दर्द को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। बहुत दर्द सह लिए, बहुत रो लिए, अब इस दर्द के कारण मैं और नहीं रोऊंगा। अब मैं इस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपना हथियार बनाऊंगा। अब यही दर्द मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा कर रहेगा, मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा कर रहेगा। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो तुम्हें नीचे गिराना चाहेंगे। लोग नहीं चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ो, तुम उनसे कमजोर ही रहो, उसी में वे खुश रहेंगे। तुम्हारी लाइफ में बहुत तरह की चैलेंजेस आएंगी, पर तुम्हें अपना दिमाग खाली रखना है उन लोगों से और उनकी बातों से जो हमें नीचे धकेलना चाहते हैं। उन लोगों की बात बिल्कुल मत सुनो, अपने कान बंद कर लो, बहरे हो जाओ ऐसे लोगों के लिए। तुम्हारी लाइफ इसी पर डिपेंड करती है, तुम्हारा लक्ष्य इसी पर डिपेंड करता है, सब कुछ इसी बहरेपन पर डिपेंड करता है। अगर तुम ऐसे लोगों की बात सुनते रहोगे ना, तो वे तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करते रहेंगे। लोगों को इतना हक मत दो कि वो तुम्हें इतना दर्द दे कि तुम्हारी सांसें ही रुक जाएं। इसलिए बहरे बन जाओ, तभी तुम चैन की सांस ले पाओगे। जिंदगी हर रोज तुम्हें कुछ न कुछ नया देगी, तुम्हें उसी में से अपने काम की चीज ढूंढ निकालनी है, अपने मतलब की चीज को ढूंढना है, खोजना है। जिंदगी तुम्हें डराएगी, धमकाएगी, तुम पर कोड़े बरसाएगी, पर रोना बंद करो, शिकायत करना बंद करो, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे रोने से। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम पूरे नीचे गिर जाओ, उसी गिरी हुई हालत से तुम्हें उभर कर ऊपर उठना है, खुद के लिए एक नया रास्ता बनाना है, दूसरों के लिए एक नई मिसाल बनना है। तो उठो और अपनी जिंदगी जियो, देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जो कोई भी दर्द में नीचे पड़ा है ना, वो एक लूजर है, क्योंकि विनर वही है जो भले ही हार के गिरता है पर गिर के फिर से खड़ा होने की हिम्मत रखता है। जो कमजोर होते हैं ना, वही किस्मत को रोते हैं। जिसमें उगना होता है ना, वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। हारना बुरी बात नहीं है,
पर हार मान लेना बुरी बात है। हर बार अगर मैं फेल हुआ तो मैं फिर से खड़ा होऊंगा और जीतूंगा। मैं हार कभी नहीं मानूंगा, मैं सरेंडर कभी नहीं करूंगा। सफल होने के लिए जीतने की शपथ लेने से पहले कभी भी हार न मानने की शपथ लेना ज्यादा जरूरी है। वो पल जब तुम्हारी सांसें अटक जाती हैं, वही पल सबसे महत्वपूर्ण है। बड़ा सोचो और खुद पर विश्वास रखो कि एक न एक दिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत जाता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। जिंदगी में हार न मानना ही जीत की पहली निशानी है। हार मानने से कुछ भी नहीं मिलेगा, कोशिश करो, कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा। पर यह सब इतना आसान नहीं है, तुम्हें खुद से दिन रात सुबह शाम इस पर लगकर कड़ी मेहनत करनी है। अगर तुमने ठान ली ना, तो तुम ही हो जो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, दूसरा कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम्हारा काम, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें खुद ही हासिल करना है, कुछ भी अपने आप नहीं होने वाला। उठो और देखो कब से तुम्हारी मंजिल तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही है। आओ मेरे गले लगो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। काफी वक्त हो गया, एक लंबी छलांग लगाते हैं, चलो जमाने को अब अपनी असली औकात दिखाते हैं। तो दिखा दो इस दुनिया वालों को कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। आई विल डू इट।